नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रुत लाइव न्यूज नेटवर्क। मध्य निषेध विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर मुजफ्फरपुर में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 250 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें शराब पीने और बेचने वाले दोनों शामिल हैं। कोर्ट में पेशी के बाद सबको जेल भेजा जा रहा है। त्रुत लाइव के लिए संवाददाता प्रवीण कुमार राहुल की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले द्वारा सभी थाना क्षेत्रों को निर्देश दिया गया कि अवैध शराब जो है उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए। तो इस स्पेशल ड्राइव में सभी थानों से लगभग 200 लोगों की अरेस्टिंग हुई है, जिनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनके साथ में शराब भी मिली है और कुछ अन्य लोग जो दूसरे केसेस में थे उनको जेल भेजा गया है। थैंक यू। ये प्रक्रिया आगे भी चलने वाली है, इस तरह की कार्रवाई आगे भी होगी? ये स्पेशल ड्राइव थे, पुलिस की लगातार ड्राइव चल रही है और जिसमें पिछले कई दिनों से कई लोग जेल भेजे जा गए थे। कल स्पेशल ड्राइव में सभी थाना क्षेत्रों को लगाया गया था एक साथ, तो इसकी वजह से नंबर ज्यादा है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई होती रहेगी। कहाँ से पकड़े गए? वहाँ से दादर से पकड़ लिया। सड़कपुर से? क्या नाम है? सद्दाम खान। पूरा नाम? सद्दाम खान। पिताजी का नाम? अब्दुल जब्बार खान। रहने वाले कहाँ के? रहने वाले कराए। जा कहाँ रहे थे? स्टीकर बेच के डेरा जा रहे हैं। स्टीकर बेचते हो? छाता चौक के तरफ।